हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर फोर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कीवर्ड्स वर्ड्स कीवर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स फर्स्ट इज हार्ड मटीरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड फॉर एग्जाम्पल आयरन कॉपर एक्स्ट्रा वो मटीरियल जो डिफिकल्ट यानी मुश्किल होते हैं कंप्रेस करने में दबाने में उन्हीं क्या कहते हैं हार्ड कहते हैं एग्जाम्पल है जैसे आयरन और कॉपर ये दोनों हार्ड मटीरियल हैं सेकेंड इज इनसॉलिबल सब्सटैंसेज विच डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड आर कॉल्ड इन्सॉलिबल वो सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व नहीं होते हैं गिवन लिक्विड में उन्हें इंसॉलिबल कहते हैं थर्ड इज लस्टर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटैंस ड्यू टू विच इट हैज अ शाइनी सर्फेस वो प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जिसकी वजह से सब्सटेंसेस का सर्फेस शाइनी होता है उस प्रॉपर्टी को लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं या लस्टर कहते हैं फोर्थ इज मटेरियल, इट इज़ अ मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज और कैन बी मेड देखिए मटेरियल क्या है मटेरियल एक मैटर है जिससे कोई भी चीज़ कोई भी चीज, चीज बनाई जा सकती है या बनती है फिफ्थ मेटल्स मेटल्स इज एन एलिमेंट दैट आर मिलेबल डक्टाइल ड्रस हार्ड हाई टेंटाइल स्ट्रेंथ सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखिए मेटल क्या है मेटल वो एलिमेंट है जो मिलेबल होते हैं मिलेबल का मतलब जिनको ट करके उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है डकटाइल डक्टाइल मीन्स वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें जो मेटल्स है वो थिन वायर में ड्रॉ किए जा सकते हैं लैस मैंने आपको बताया कि वही जिसकी वो सब्सटेंसेस जिसका शाइनी मटेरियल है हार्ड होने चाहिए हाई टेंसटाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए सोनोरस मतलब अगर आप उसे बजाओगे तो उसमें रिंग लाइव रिंग जैसी साउंड आनी चाहिए एंड जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एग्जाम्पल क्या है मेटल्स के आयरन कॉपर टिन सोडियम एंड जिंक ये सारे एग्जाम्पल है मेटल्स के सिक्स इज ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं पास होने देते हैं अपने थ्रू उनको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल है जैसे बुक वॉल एंड वुड ये एग्जाम्पल्स है ओपेक ऑब्जेक्ट के सेवेंथ इज रफ सरफेस विच आर इरेगुलर अनइवन और नॉट स्मूथ आर कॉल रफ वो सरफेस जो इरेगुलर होता है अन ईवन होता है और स्मूथ नहीं होता है उसे रफ कहते हैं एट इज सॉलिबल सब्स्टांस इज दैट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड इज कॉल सॉलिबल। वो सब्सटांसिस जो गिवन लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं डिजोल्व मतलब घुल जाते हैं उन्हें सोलिबल कहते हैं नाइन्थ इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट फॉर दोपल बटर पेपर टिश्यू पेपर ऑयल पेपर एक्स्ट्रा वो ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास होने देते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं एग्जाम्पल है जैसे बटर पेपर टिश्यू पेपर ऑयल पेपर ये सारे एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट के टेंथ इज ट्रांसपेरेंट दो ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को कम्प्लीटली पास थ्रू होने देंगे अपने से उन्हें कहेंगे ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्लास एयर टेस्ट ट्यूब प्योर वाटर ये सब एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे थैंक यू